I hope my screen is visible to all over here. Sir, can you just help me out? Is the screen visible? Is the chapter being seen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine, sir. Thank you so much. Okay. Fine. So, guys, we are going to begin with the very first chapter in your civics syllabus, and that is Introduction to the Parliamentary System of Government. Okay. So, guys, before moving ahead with this chapter, I'll just give you some general idea of what civics is all about. Okay. जब भी हम लोग सिविक्स की बात करते हैं, यू हैव दिस वेरी फर्स्ट चैप्टर एज यू कैन सी ओवर हियर, इट्स द इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम. देखो, एक सिंपल टर्म्स में, एक देश को चलाने के लिए एक देश की सरकार की जरूरत होती है. सो वी नीड अ गवर्नमेंट टू रन द कंट्री. राइट और रॉन्ग? एक देश को चलाने के लिए हमें एक सरकार चाहिए. ये जो सरकार होती है, जो देश को चलाती है, these governments throughout the world are of different types. हर एक देश की सरकार का टाइप अलग होता है. तो जब भी हम इंडिया की बात करें, when we talk about India as a country, and when we talk about the government of India, जब भी हम हमारे when we talk about India as a country, and when we talk about the government of India, our government type is of a parliamentary system. हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की सरकार का टाइप क्या है, तो हमारी देश की सरकार एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से ये पूरे देश को चलाती है. मोर देन एनीथिंग एल्स, एक देश को चलाने के लिए, व्हेन वी रन अ कंट्री, यू ऑब्वियसली नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन अ कंट्री. एक क्रिकेट का गेम जब भी तुम खेलते हो, तो क्रिकेट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके वजह से तुम वो गेम खेला करते हो. व्हेन यू प्ले फुटबॉल एज अ गेम, सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इवन व्हाइल यू आर प्लेइंग फुटबॉल. इट्स अ गेम व्हिच इज सपोज टू बी प्लेड विद लेग्स, नॉट विद हैंड्स. तो फुटबॉल खेलने का भी एक तरीका होता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. वैसे ही क्रिकेट को खेलने के लिए उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. तो वैसे ही एक देश को चलाने के लिए भी, when we run a country, you need a certain set of rules and regulations to run a nation. So, from where does India gets all its rules and regulations? India के ये जो सारे कानून हैं, India के ये जो सारे laws हैं, okay, from where do we get all these things? Then there is one specific book which we call it as the Indian Constitution. इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी रिफर इन ऑर्डर टू रन दिस कंट्री. सो टॉकिंग अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया, जब भी हम इंडिया देश की बात करें, तो ये इंडिया देश को चलाने के लिए हमारे पास जो कॉमन लॉ बुक है, इंडिया को ये देश को चलाने के लिए जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं, वो एक लॉ बुक से आते हैं, और ये लॉ बुक का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. सो दिस इज द कॉमन लॉ बुक ऑफ इंडिया. ये इंडिया का वो बुक है जिसमें ये देश को चलाने के लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, विच वी कॉल इट एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. अभी ये जो इंडिया का लॉ बुक है, ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसमें इंडिया को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, ये रूल्स और रेगुलेशंस जो ये बुक में लिखे गए हैं, उसको मानता कौन है, वो समझता कौन है? तो इंडिया की सरकार. वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु फॉलोज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी ऑल्सो हैव द पीपल ऑफ इंडिया. हम जिस देश में रहते हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं. सो एज द सिटीजंस ऑफ इंडिया, इवन वी फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया की सरकार और इंडिया के लोग जब भी इस देश में रहते हैं, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. एस्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भी मैं देश की सरकार की बात करती हूँ, दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोना रन दिस कंट्री. जब भी गवर्नमेंट, देश की सरकार ये देश को चलाएगी,
it has to follow the Constitution of India. It has to follow this common law book of India. I hope you people have understood till here. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया हमें आया किधर से? ऑल थैंकफुलनेस टू ब्रिटिशर्स. जब ही ब्रिटिशर्स इंडिया में थे और जब ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 150 सालों तक रूल किया, एट द एंड ऑफ 150 इयर्स व्हेन ब्रिटिशर्स वर लीविंग इंडिया, जब ही ब्रिटिशर्स ये देश छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने हम इंडियंस को सजेशन दिया कि देखो 150 साल तक तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था, हम ये देश को चलाते हैं, हमारे चले जाने के बाद तुम इंडियंस को अपना देश चलाना आता है क्या? तो इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने सजेशन दिया, एक काम करो, तुम अपना लॉ बुक बनाओ, तुम अपना एक रूल्स और रेगुलेशंस का बुक बनाओ कि तुम कैसे इस देश को चलाओगे. सो दैट इज हाउ आर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स दे केम टुगेदर. हमारे जो देश के पॉलिटिकल लीडर्स थे ये सब साथ में आए. आजादी मिल जाने के बाद 1947 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने तैयार किया और आज तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान के हम लोग चलते हैं और ये देश में वी आर फाइनली स्टेइंग इन दिस कंट्री. देन आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. फाइन, वी विल गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स देन. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, ओके, जस्ट लुक एट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मशीनरी और द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट as given in the constitution. इस देश की जो सरकार है, हमारे देश की, इंडिया की जो सरकार है, ये कैसे काम करती है, इसका मशीनरी क्या है, यू नो हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क इन साइड द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर किधर से आया, प्रेसिडेंट किधर से आया, लोकसभा राज्यसभा किधर से आए, इनके पावर्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ये लोग हमारे लिए क्या करते हैं. हमारी देश की सरकार को अगर तुम्हें डिटेल में समझना है तो ये चैप्टर में हम लोग वो सब कुछ पढ़ेंगे. ओके, तो इंडिया की सरकार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है. तो ये सरकार इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे चलती है, दैट इज व्हाट वी आर गोना अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. ओके, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. More than anything else, in this chapter, there are few questions, okay, which we will understand more further. Talking about the government of India, when we talk about the government of India, जब हम देश की सरकार की बात करते हैं, I'll again go back to this presentation over here. When we talk about the government of India, हमारे देश की जो सरकार है, it has been divided at two levels. See, India as a country is one nation. India देश की बात करें तो ये एक nation है, ठीक है, ये एक country होता है. तो ये पूरे देश पे नजर रखने के लिए, ये पूरे देश को चलाने के लिए हम देखते हैं कि इंडिया की सरकार को दो levels पे divide किया गया है. हम देखते हैं कि इंडिया जो country है, ये पूरे देश को संभालने के लिए जो सबसे टॉप लेवल पे गवर्नमेंट होता है उसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं. दिस यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेशनल गवर्नमेंट. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड एट टू लेवल्स. हमारे देश की सरकार को हमने दो लेवल पे डिवाइड किया है. एक सरकार जो पूरे देश को संभालेगी, तो जो सरकार पूरे देश को संभालती है, जो सबसे टॉप लेवल पे आती है, उसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, या तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है या तो इसको नेशनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है. एंड एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एज अ कंट्री, जब भी हम ये देश की बात करें, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स. हमारा देश जो है इसको 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. सो एवरी स्टेट ऑल्सो हैज अ स्टेट गवर्नमेंट. तो हर एक स्टेट के पास भी अपना खुद का एक स्टेट गवर्नमेंट होगा.
ठीक है, तो इंडिया में 28 स्टेट गवर्नमेंट्स है और ये 28 स्टेट गवर्नमेंट्स पे नजर रखने के लिए हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है जो इसके ऊपर आती है. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर एंड आई होप दैट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. माय वॉइस इज नॉट क्रैकिंग और यू नो एवरीबडी इज एबल टू हियर मी प्रॉपरली. फाइन, ओके, देन वी फर्दर मूव अहेड. अभी मैं यूनियन गवर्नमेंट की बात करूं या तो मैं 28 स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूं, वेदर आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट विच इज देयर एट द एपेक्स लेवल एट द टॉप लेवल और वेदर आई टॉक अबाउट दैट गवर्नमेंट विच इज देयर इन एवरी स्टेट, वी कॉल इट एज द स्टेट गवर्नमेंट्स. ये दोनों लेवल पे, ठीक है, एक सरकार जो पूरे देश का देखभाल करती है और दूसरी सरकार जो हर एक स्टेट का देखभाल करती है, ये दोनों लेवल की सरकार की अगर मैं बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बोथ ऑफ देम दे हैव थ्री डिपार्टमेंट्स इन ईच. यूनियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उसके पास 3 डिपार्टमेंट्स है. वैसे ही जब मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूं, 28 स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूं तो उसके पास भी 3 डिपार्टमेंट्स है. ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट एंड द 28 स्टेट गवर्नमेंट्स, दे हैव द वेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट विच वी कॉल इट एज द लेजिस्लेचर. तो जो सबसे पहला डिपार्टमेंट दोनों सरकारों के पास है, यूनियन और स्टेट के पास है, उनका पहला डिपार्टमेंट है लेजिस्लेचर. द सेकेंड डिपार्टमेंट, ओके फाइन, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिपार्टमेंट लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, जब मैं लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट की बात करूं, this department is responsible to make the laws. तो ये जो सरकार जो देश को चलाती है, union government, it runs the whole country and 28 state governments, they run the 28 states of India. Both these governments, they have their first department which is the legislature department. This legislature department is responsible to make the laws. मतलब यूनियन गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है वो पूरे देश के लिए लॉ बनाएगा, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है वो हर एक स्टेट के लिए लॉ बनाएगा. इन अ सिमिलर वे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास सेकंड डिपार्टमेंट है. ठीक है, सो द सेकंड डिपार्टमेंट एट बोथ द लेवल्स इज द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट. This executive department is responsible to execute the laws. तो हमने देखा legislature department ने कानून को बनाया, okay? It made the laws. And at that same point of time, when we talk about the executive departments at both the levels, it is responsible to execute the laws. उसका responsibility ये है कि वो कानूनों को execute करे, उसको implement करे, उन कानूनों को लागू करे. तो पहले डिपार्टमेंट ने कानून को बनाया, लेजिस्लेचर ने कानून को बनाया और एग्जीक्यूटिव ने कानून को चलाया. एंड नाउ द थर्ड एंड द लास्ट डिपार्टमेंट विच इज देयर एट बोथ द लेवल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द 28 स्टेट गवर्नमेंट्स, बोथ ऑफ देम दे हैव द थर्ड डिपार्टमेंट एट बोथ द लेवल्स विच वी कॉल इट एज द जुडिशरी. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस जुडिशरी डिपार्टमेंट इज टू प्रोटेक्ट द लॉज. ये कानूनों का बचाव करेगा. तो लेजिस्लेचर कानून को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करेगा, कानून को चलाएगा और जुडिशरी वही कानूनों को प्रोटेक्ट करेगा. सो दीज आर द थ्री डिपार्टमेंट्स विच वी सी एट बोथ द लेवल्स, यूनियन लेवल एंड द स्टेट लेवल. नाउ वील गेट बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, वील गेट बैक टू द चैप्टर विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. I hope I am able to share the screen. Okay, I hope you can see this chapter over here. Fine. Just see now. Okay, so we'll get back over here. We'll just read some few paragraphs. These two paragraphs especially, ये बहुत important है. अभी जो मैंने explain किया वो सब इधर ही है. So look at this.
When we talk about the government of India, हम लोग जब भी देश की सरकार की बात करते हैं तो देश की सरकार जो है वो किस हिसाब से चलती है? वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है. हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वैसे ही हर एक देश की सरकार का जो टाइप है, उसका देश को चलाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है. सो एज वी सी दैट देर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक देश के पास अपना खुद का एक लॉ बुक होता है, तो वो अपने देश को उस हिसाब से चलाती है. इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जब मैं गवर्नमेंट सिस्टम्स की बात करूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर एक देश के पास अलग टाइप की सरकार होती है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एज अ कंट्री, जब भी हम हमारे देश की सरकार की बात करें, देन आर गवर्नमेंट, यस इट इज डिवाइडेड एट यूनियन एंड एट द स्टेट लेवल्स, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट, चाहे मैं अपनी सरकार की यूनियन लेवल की बात करूं या मैं स्टेट लेवल की बात करूं, दोनों लेवल्स पे तीन डिपार्टमेंट्स है. विच आर दोज थ्री डिपार्टमेंट्स? वी सी दैट द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉज. इन अ सिमिलर वे द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज, ये कानूनों को चलाती है. एंड इन अ सिमिलर वे व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशियरी डिपार्टमेंट, इट गिव्स justice. I hope you people have understood this line. Now, talking about the functions of these organs and talking about their jurisdiction and limitations on their power and interrelationship between these organs is decided by the constitution. अभी ये line का मतलब क्या है यहाँ पे? This whole line. यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स है, ये तीनों डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस क्या है, ये तीनों डिपार्टमेंट्स के ज्यूरिस्डिक्शन एंड लिमिटेशन क्या है, इनका कानूनी दायरा क्या है, एंड इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. So there are four keywords in this statement: functions, jurisdiction, limitation, and interrelationship. Legislature, executive, or judiciary, ये जो तीनों organs हैं, ये तीनों organs का function, jurisdiction, limitation, and interrelationship क्या है? ये सब कुछ हमारे constitution में लिखा हुआ है. Okay, I hope you people have understood this part till here. There is no, difficulties in this. If you have any doubts, you can ask me right away, or else we'll go ahead with this chapter further. Okay, you can unmute your mics and you can talk if you have not understood anything. Fine, then we'll move ahead with this chapter. As I told you guys that every country has its own type of a government. ठीक है, हर एक देश के पास अपनी खुद की अलग तरह की सरकार होती है. देश टू देश, कंट्री टू कंट्री, द गवर्नमेंट, द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे डिफर, दे चेंज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, जब भी हम हमारे देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है. When we talk about India as a country, India has a parliamentary system of government. India ki desh ki sarkar ka type kya hai? To hamari desh ki sarkar ka type ye hai ki bhai, India ki sarkar jo hai, India ka government system jo hai, ye parliamentary system ke hisab se chalta hai. But if I go to United States of America, if I go to USA, to US mein kaisi sarkar hai? In US, if you see, तो वहां की सरकार का जो टाइप है, इट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, तो इंडिया की सरकार का टाइप क्या है? इंडिया की सरकार का टाइप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. और अगर तुम यूएस में जाओ तो यूएस में सरकार का टाइप क्या है? इट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, तुम जो देश में जाओगे वो देश की सरकार का टाइप अलग होता है. हर एक देश को चलाने का तरीका अलग है, तो हर एक देश की सरकार को चलाने का टाइप भी अलग होगा.
तो इंडिया की सरकार एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से चलती है, और अगर तुम अब्रॉड किसी और देश में जाओ यूएस के अलावा, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चलता है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। ठीक है, अभी सवाल ये है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने क्यों शुरू किया है? व्हाई हैव वी यू नो अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया जैसे देश में हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने की क्यों जरूरत है? हम प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं रख सकते हैं? तो उसका एक रीजन है। देखो, हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था। ओके, सो वी हैड ब्रिटिशर्स हु हैड रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 150 इयर्स। अभी जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे, वो खुद अपने देश में और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते थे। इसीलिए जब भी हमें आजादी मिली तो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद भी हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही आगे बढ़ाया। ओके, सो लुक एट द स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन इंग्लैंड। देखा जाए तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स अपने देश में चलाते थे, इंग्लैंड में, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। इंग्लैंड जैसे देश की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लैंड एज अ कंट्री वेयर ब्रिटिशर्स दे लिव, इंग्लैंड के पास भी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड के पास भी अपना खुद का लॉ बुक है, और ये जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मोर देन दैट, हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने जब भी इंडिया पे राज किया तो वो खुद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाते थे। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, उनके रीति रिवाज, उनके कस्टम्स, उनके कन्वेंशंस, हमने उन सब चीजों को समझा, और उसके बाद हमने देखा कि ओवर द टाइम, ओके, इवन वी स्टार्टेड अडॉप्टिंग सच अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो जस्ट लुक एट दिस स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन द पार्लियामेंट is considered as the contribution of England. ये England के वजह से ये जो parliamentary system के जो roots है वो उनके history में जाते हैं, and since Britishers used to rule over India, India has adopted this parliamentary system of government. ठीक है, what is more important in all of this is that we see a lot of similarities. ब्रिटेन अपने देश को जैसे चलाता है वैसे ही इंडिया अपने देश को चलाता है। हम दोनों की सरकारों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन बिटवीन द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द इंडियन स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है ये हम आज समझेंगे डिटेल्स में। द नेक्स्ट 5 points in your textbook are very important. This first, second, third, fourth, and fifth. These 5 points are extremely important today. ये chapter का सबसे main important ये 5 points है जिसके ऊपर पूरा chapter टिका हुआ है। तो आगे के ये 5 points अच्छे से समझना। Fine. When we talk about India as a country, हम लोग जब ही हमारे देश की सरकार की बात करते हैं, तो ये देश की सरकार कैसी है? It's of a parliamentary system. More than that, ये देश की सरकार चलती कैसे है? तो हमने just देखा कि हमारे देश की सरकार को divide किया गया है at 3 levels. If you people remember this, ठीक है? We'll begin with this part. When we talk about the government of India, जब भी मैं देश की सरकार की बात करती हूँ, especially when I talk about the union government, which is also called as the central government, or it is also called as the national government. Okay, its very first department, iska jo sabse pehla department hai, it's the legislature department. This legislature department is also called as the union parliament. To ye jo union government ka sabse pehla department hai legislature, उसका एक और नाम है, दैट इज यूनियन पार्लियामेंट। अभी ये डिपार्टमेंट का काम क्या था? टू मेक द लॉज। लेकिन ये डिपार्टमेंट में बैठता कौन है?
तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट में एक फर्स्ट हाउस आता है, एक सेकंड हाउस आता है और इंडिया का प्रेसिडेंट है। सो हु सिट्स इन द लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट इन द यूनियन पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? इट्स द फर्स्ट हाउस, द सेकंड हाउस एंड द प्रेसिडेंट। द फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड एज द लोअर हाउस, द सेकेंड हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अपर हाउस। The first house is also called as the House of the People and it is also known as Lok Sabha. ठीक है, तो जो first house है उसके तीन नाम है, Lower House, House of the People and Lok Sabha. In a similar way, second house, it is also called as the Upper House, the Council of States and it is also called as Rajya Sabha. I hope you people have understood this till here. Union government ka pehla department legislature, legislature ka ek aur naam Union Parliament. What is the duty of the Union Parliament? To make the laws. Which are the three components of Union Parliament? It's first house, second house and the president. The first house is also called as the lower house. It is also known as the House of the People and it is also known as Lok Sabha. In a similar way, when we talk about the second house, it is also known as the Upper House, the Council of States and Rajya Sabha. So these are the three components of the Union Parliament, which is also known as the legislature, a department responsible to make the laws for the country. Now getting back to your textbook, okay, we look into your textbook, the very first point in your textbook, just look at this. Okay. See this, the parliamentary system is a system of governance. ये जो parliamentary system है ये एक सरकार को चलाने का, एक देश को चलाने का तरीका है. The legislature of the central government, जो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है यूनियन गवर्नमेंट का, इज ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट. इसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं. सो द इंडियन पार्लियामेंट, आर यूनियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें कौन कौन बैठता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. आई होप यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. ओके, नेक्स्ट. चलो, talking about the union parliament, it has president, lok sabha and rajya sabha. But what is more important about all this, when we talk about lok sabha, jab hi main lok sabha ki baat karu, this lok sabha is directly elected by the people. Matlab elections mein humne jisko vote diya, jo votes jisko zyada mile wo insaan jeet jata hai. And then he finally gets his direct seat in Lok Sabha. So talking about Lok Sabha, it's a directly elected house. More than that, talking about Lok Sabha, it has a fixed number of people. Lok Sabha mein jo log baithte hain, the total number of people is 552. To isse zyada log Lok Sabha mein baith nahi sakte hain. So the number of people sitting in Lok Sabha, they are fixed. I hope you people have understood till here. Okay, so that's all for today's lecture. You people can leave. For those people who have any doubts, may let me know right away. They can stay back and rest of the people can leave for today. Sneha, do you have any doubts?